शहर स्मोक के शिकंजे में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में। बदस्तूर सहरे फहरिस्त, शहर का मजमू औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 409 रिकॉर्ड। आमिर टाउन में फिजाई आलूदगी की शरह 496 रिकॉर्ड। माल रोड पर 430 और गुलबर्ग में 410 AQI पाया गया। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर में स्मोक के डेरे, मरीजों के अस्पतालों में फेरे। अस्पतालों में खुश खांसी और सांस के मरीज बढ़ गए। 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासर अफराद की तादाद 4000 से तजावुज कर गए। जिना अस्पताल में 1400 से जायद मरीज रिपोर्ट। म्यू अस्पताल में 13 और गंगाराम अस्पताल में 1100 से जायद मरीज आए। शहर में फिजाई आलूदगी ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। धुआं छोड़ने वाली 4519 गाड़ियां बंद। 11813 गाड़ियों को चलान टिकट्स जारी। सीटीओ का कहना है मट्टी, रेत और गंदगी फैलाने वाली गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। स्मोक के तदारुक के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का ऑपरेशन जारी। तमाम जोन्स में मिस्ट क्वीन और मिस्ट कैनन गाड़ियों से ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में 96 किलोमीटर इलाके पर एंटी स्मोक स्प्रे करवाया गया। मजमू तौर पर 53 मकामात पर स्प्रे किया गया। डेंगू मच्छर बड़ा खतरा बनने लगा। पंजाब में मजीद 3 अफराद डेंगू बुखार से जान की बाजी हार गए। रवां साल अब तक डेंगू मच्छर से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। लाहौर, बहावलपुर और गुजरांवाला में एक एक मरीज की हलाकत रिपोर्ट हुई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 51 अफराद डेंगू का शिकार। सुबह भर में 122 अफराद में डेंगू की तस्दीक। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 35 मरीज ज़ेर इलाज। महकमे सेहत की शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए अपने माहौल को साफ और खुश्क रखने की हदायत। सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में टेलीफोनिक रابطہ। आसिफ जरदारी की वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। रियासत को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। माशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत। नूली का इलेक्शन रोल तय करने के लिए तमाम सियासी जमातों से राबते का फैसला। पीटीआई की दस्तियाब क्यादत से भी राबता किया जाएगा। नवाज शरीफ की जेर सदारत नूली के सीनियर रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेटर इसहाक डार को सियासी जमातों से राबते करने की जिम्मेदारी तफवीज। लीगी रहनुमा इलेक्शन डे के रोज ऑफ गेम पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। तमाम सियासी जमातों की मुश्तरका तजावीज पर इलेक्शन कमीशन से राबता किया जाएगा। के सियासी जमातों से राबते शुरू। शहबाज शरीफ का MQM कन्वेनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल से इनकी वालिदा की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ की MQM कन्वेनियर को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत। MQM का वफ्द आज लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ की डील का तासुर दुरुस्त नहीं। अब इंतखाबात की तारीख पर कोई अभाम नहीं रहा। इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार है, अल्लाह का शुक्र है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों का दोबारा आगाज कर दिया। नू लीग के कायद ने वापस आना ही था और वो सही वक्त पर वापस आए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे, सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जिस्मानी और सियासी तौर पर फिट हूँ, इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। माफिया के गठजोड़ से पंजाब में गंदम बहरान संगीन। जखीरा दोस्तों ने आटा महंगा करने के लिए गंदम की फरोख्त कम कर दी। लाहौर में गंदम की फी मन कीमत 4800 रुपये तक पहुंचा दी। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में गंदम 500 रुपये फी मन तक महंगी। पंजाब के लिए योमिया दरकार गंदम के हसूल में 50% का शॉर्टफॉल।
20 किलो आटे के थैले की कीमत 200 रुपये बढ़ गई। निगरान काबीना की जानिब से सरकारी गंदम अजरा पॉलिसी की मंजूरी में ताखिर से गंदम बहरान पैदा हुआ। पंजाब असेंबली में मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती का मामला वजीर आला की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तीन दिन में तलब किया। रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का प्रोसिक्यूशन पर इजहार बरहमी। एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद अरशद हुसैन भुट्टा ने समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान करदा पैकेज पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्तों पर समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी सेक्रेटरी खजाना की तरफ से अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत ने पाकिस्तान रेलवे से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रुपये की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 98 पैसे का महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 29 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये में फरोख्त। तजावजात और कसीर मंजिला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का प्लान। टीपा का इन्फोर्समेंट विंग बाकायदा तौर पर फाल कर दिया गया। एलडीए की जिले एजेंसी ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए तजावजात के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दो डायरेक्टर्स इन्फोर्समेंट और डिप्टी डायरेक्टर्स की तैनाती के बाद मैंडेट दे दिया गया। चार हजार 500 अफगान तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान। हायर एजुकेशन कमीशन ने स्कॉलरशिप्स के तीसरे मरहले का ऐलान कर दिया। अलामा इकबाल स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के तहत अफगान तलबा को जामियात में दाखिले दिए जाएंगे। तलबा को बीएस और मास्टर प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। कम नंबर लेने वाले तलबा हो जाएं होशियार। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा अब फेल तस्वर होंगे। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने इम्तिहानी निज़ाम में अहम तब्दीली कर दी। अगले तालीमी साल से 11वीं और 9वीं जमात में नए निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। नंबरों के बजाय ग्रेडिंग निज़ाम भी नाफिजुल अमल होगा। एफआईए के हेड कांस्टेबल्स के लिए खुशखबरी। 57 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी मीटिंग में तरक्की देने का फैसला किया गया। जेल हुकाम की जानिब से कैदियों को सर्दी से महफूज रखने के लिए इकदामात शुरू। लाहौर समेत पंजाब भर में कैदियों के लिए 5000 कंबल मंगवा लिए गए। तमाम जेलों के लिए रवा माह 10000 कंबल मंगवाए जाएंगे। मुखीर हजरात की जानिब से पहली खेप गुज़श्ता रोज आईजी जेल ऑफिस फराहम कर दी गई। चिड़ियाघर को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने का मिशन। चिड़ियाघर को आज से 31 जनवरी तक आरजी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। निगरान वजीर आला की हिदायत पर चिड़ियाघर को 3 माह के लिए बंद किया जाएगा। अपग्रेडेशन के दौरान चिड़ियाघर के जानवरों को वाइल्ड लाइफ पार्क जल्लू और छांगा मांगा मुंतकिल किया जाएगा। बच्चों का कहना है कि चिड़ियाघर को बंद कर रहे हैं, जानवर को मिस करेंगे। पंजाब कॉलेजेस ने लाहौर बोर्ड इंटर कॉलेजिएट रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब कॉलेजेस ने 31 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर डिवीजन से 9 कॉलेजेस के 80 खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में शिरकत की। डायरेक्टर स्पोर्ट बोर्ड लाहौर ने खिलाड़ियों में कैश इनामात मेडल और असनाद तकसीम की।